नमस्कार, आज हम सीजल पिनोइडी अर्थात सीजल पिनियसी की पार्ट फर्स्ट पर चर्चा करेंगे। लेग्यूमिनोसी फैमिली को तीन उपकुल में विभक्त किया गया है, जिनके नाम है माइमोसोइडी, सीजल पिनोइडी और पेपिलियोनेटी। कुछ ऑथर्स ने इनको पृथक कुलों के रूप में पेपिलियोनेसी, सीजल पिनियसी और माइमोसेसी नाम दिया गया है। पिछले चैप्टर में हमने चर्चा करी थी माइमोसोइडी की, उसमें पार्ट प्रथम और पार्ट द्वितीय में हमने पूरी माइमोसोइडी पर चर्चा करी। आज हम इसके द्वितीय उपकुल सीजल पिनोइडी अर्थात सीजल पिनियसी पर चर्चा करेंगे। ये जो उपकुल है इसमें केशिया वंश प्रधान है, अर्थात ये अमलताश, गुलमोहर इनकी फैमिली है। तो सीजल पिनोइडी पेनोडी के फैमिली फर्स्ट पर आज हम चर्चा करेंगे, इसके रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की और इसके रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसके रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इसके जो कायिक लक्षण हैं उन पर हम चर्चा सबसे पहले करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं इस फैमिली के पादप स्वभाव की अर्थात प्लांट हैबिट की। इसमें बहुत सारे सदस्य इस कुल में शामिल हैं और इसमें जो अधिकांश सदस्य हैं वो काष्ठीय प्रवृत्ति के हैं, अर्थात मोस्टली देर आर्बोरेसेंट। इसमें आने वाले जो पादप हैं अधिकतर ट्री होंगे या वो शुभ शर्प होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं मोस्टली ट्री होंगे, तो ट्री में हम एक नाम देख रहे हैं जैसे इमली, टेमरेंडस इंडिका, डेलोनक्स रीजी अर्थात गुलमोहर और बोहोनिया, कचनार की बहुत सारी प्रजातियां वृक्ष के रूप में हमें इस उपकुल में दिखाई देंगी। और शुभ भी इस कुल में बहुत सारे होंगे शर्प, जैसे हम देख रहे हैं पार्किंसोनिया, पार्किंसोनिया की प्रजातियां, सीजल पीनिया की बहुत सी प्रजातियां क्षुप के रूप में पाई जाएगी। इसमें हर्ब्स अर्थात शाखी पौधे कम होंगे, पर कुछ शाखी पौधे भी हैं, जैसे हम देख रहे हैं केशिया टोरा जो मैं बहुत सामान्य रूप से दिखाई देता है लगा हुआ, इस फैमिली में आने वाला एक हर्ब है। इसी प्रकार से केशिया की अन्य प्रजातियां भी हैं जैसे केशिया ऑब्स्टुसिफोलिया आदि। और कुछ इसमें वुडी क्लाइंबर्स अर्थात काष्ठी आरोही वुडी लाइनास भी हैं, जैसे हम एक नाम देख रहे हैं बोहोनिया की एक प्रजाति बोहोनिया वेलाई, ये वुडी क्लाइंबर के रूप में दिखाई देती। तो हमने देखा मोस्टली इस कुल में आने वाले जो पौधे हैं वो ट्री या शब के रूप में होंगे, कुछ हर्ब्स हैं और रेयरली वुडी क्लाइंबर्स के रूप में। इस उपकुल में जो जड़ है वो होगी ब्रांच्ड टेप रूट अर्थात शाखित मूसला जड़। इस उपकुल में जो तना है उनके तना कैसा होगा, सॉलिड अर्थात ठोस, इरेक्ट अर्थात उर्द, सिलेंड्रिकल अर्थात बेलनाकार और शाखित होगा मतलब ब्रांस्ट। और अगर छोटे पौधे हैं या बड़े पौधे हैं इसलिए हमने लिखा है हर्बेसियस और वुडी, शाखीय अथवा कास्टी। जो बड़े प्लांट हैं उनका वुडी होगा, छोटे उनका शाखी प्रवृत्ति का होगा। अब पादप वेस्टिड्यू कैरेक्टर्स में हम देखने जा रहे हैं इसकी पत्तियां जो महत्वपूर्ण है, पर्ण। पर्ण इसकी एकांतरित है, अल्टरनेट, स्टिपुलेट अर्थात अनुपर्णी है और पिटियोलेट अर्थात सवरंत है। स्तंभिक और शाखीय पोलाइन एंड रेमल पत्तियां मुख्य तने से निकलेगी और एज वैली से शाखाओं से निकलेगी। और पल्विनस अर्थात पर्णाधार फूले हुए जो इस पूरे तीनों कुलों की मिलाकर विशेषता है वो इसमें होगी। पत्तियां कैसी होगी, पिच्छाक्षी संयुक्त, पिच्छकी रूप से संयुक्त, पिन्नेटली कंपाउंड लिप्स होगी। अब देह में भी यूनिपिन्नेट, बाईपिन्नेट ये हो सकती है, ज्यादातर जो है वो यूनिपिन्नेट कंडीशन होगी एक पिच्छ की। तो यूनिपिन्नेट जो हम देख रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं एक पिच्छ की, वो एग्जाम्पल में हमने देख लिया केशिया की प्रजातियां। फिर हमने देखा है बाईपिन्नेट कंपाउंड अर्थात द्विपिच्छ की संयुक्त, ये कंडीशन जो हमें दिखाई देगी द्विपिच्छ की संयुक्त, जिसके एग्जाम्पल हमें दिखाई दे रहे हैं डेलोनिक्स रीजी अर्थात गुलमोहर में, टेमरेंडस इंडिका अर्थात इमली में और पार्किंसोनिया में बाईपिन्नेट लीव्स होगी। यूनिपिन्नेट और बाईपिन्नेट, एक पिच्छे की द्विपिच्छे, यूनिपिन्नेट ज्यादा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमें दिखाई दे रहा है बाईफोलिएट कंपाउंड पत्ती का, बाईफोलिएट कंपाउंड जिसको हम हिंदी में कह रहे हैं द्विपर्णी संयुक्त। द्विपर्णी संयुक्त पत्तियां तो सरल है लेकिन ये इस तरह से दिखाई दे रही है कि हम इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, बाईफोलिएट कंपाउंड के अंदर, क्योंकि बीच में इनकी पत्तियां कोर खांच इमर्जिनेट होंगी और वो बाईफोलिएट कंपाउंड का एक एग्जाम्पल बनेगी बोहोनिया की पत्तियां, कचनार की पत्तियां।
इसी वजह से सुंदरता के लिए इसकी पत्तियों को उगाया जाता है, अच्छी सुंदर दिखाई देती है इसकी पत्तियां, पर्ण बाइफिलिएट बाइफोलेट कंपाउंड। एक रूटेसी में हमने एक एग्जांपल देखा था यूनिफोलेट कंपाउंड का, सिट्रस वंश नींबू में, वो भी याद रखना एक पर्णी संयुक्त। और आज एग्जांपल आया बाइफोलिएट कंपाउंड द्विपर्णी संयुक्त, और ये एग्जांपल किसमें होगा, बोहनिया कचनार की प्रजाति। एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम पार्किंसोनिया में देख रहे हैं फिल्लोड का, पर्णावृंत का, जिसके जो कैसा होगा मॉडिफाइड इन फिल्लोड पार्किंसोनिया के अंदर। पार्किंसोनिया में जो पर्ण है वो तो द्वीप इच्छक की संयुक्त है, जैसे हमने ऊपर बात कही बाइपिनेट कंपाउंड, और उसके जो पार्श्वीय अनुपर्ण है वो कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं, और पर्णक अर्थात लीफलेट शीघ्र गिर जाते हैं, और द्वितीय रेकिस जो सेकेंडरी रेकिस है वो हरा और चपटा होकर फिल्लोड में रूपांतरित हो जाता है। इसका जो मुख्य काम है वो पर्णव्रंत करेगा, पर्णक का काम ये फिल्लोड का रूपांतरण है, और ये फिल्लोड में रूपांतरित हो जाता है। तो ये फिल्लोड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पार्किंसोनिया, जो मॉडिफिकेशन में हम पढ़ते हैं रूपांतरण में। और जो सामान्य विन्यास कैसा है, जाली का वशिला विन्यास इसकी पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हम फ्लोरल करेक्टर्स की बात शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले इसका पुष्पक्रम, इसका जो पुष्पक्रम है असीमाक्ष या यौगिक असीमाक्ष, रेसिमोस और पेनिकल प्रकार का होगा। इसके जो पुष्प हैं इस उपकुल में आने वाले वो होंगे सहपत्री ब्रैक्टिएट, और कुछ सदस्यों में दो पार्श्व सहपत्रिकाओं युक्त होंगे अर्थात टू लेटरल ब्रैक्टियोल्स, वो भी इनमें दिखाई देगा। सहव्रंथ है पेडिसिलेट, द्विलिंगी अर्थात बाइसेक्सुअल है, दोनों पाए जा रहे हैं पुमंग जायांग। पेंटामेरस पंचदयी, सेपल्स और पेटल्स की संख्या 5, इसलिए लिखा है पेंटामेरस। साइक्लिक चक्री है, और ये कैसे हैं, अनियमित पुष्प है, इररेगुलर, क्योंकि जाइगोमॉर्फिक कंडीशन हम लिखने जा रहे हैं बताने जा रहे हैं, इसलिए क्या कहेंगे इसको, इररेगुलर अनियमित। और एक व्यास सममित है जाइगोमॉर्फिक, ये हमने बात शुरू में करी थी जब लेगुमिनोसी को बांटा था, जो क्राइटेरिया था इसके क्लासिफिकेशन का उसमें एक्टिनोमॉर्फिक तो हमने फैमिली बताई थी माइमोसोइडी, और जाइगोमॉर्फिक में आएगी फैमिली सिजेलबिनेसी और पेपिलियोनेसी। तो पुष्प है फ्लावर है जाइगोमॉर्फिक एक व्यास सममित, और परिजायांगी पेरिगाइनस है अर्थात ओवरी जो होगी वो होगी सेमी इंफीरियर अर्ध अधोवर्ती, तो पुष्प उसका पेरिगाइनस होगा यूजली पेरिगाइनस। तो ये हमने फ्लावर की बात देखी, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह आई एक व्यास सम्मित है पंचतयी पेरिगाइनस फ्लावर। अब देखने जा रहे हैं बाह्य दल पुंज को, दल पुंज, बाह्य दल पुंज में बाह्य दलों की संख्या सेपल्स की संख्या 5 है, पृथक बाह्य दली है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई ओड सेपल्स एंटीरियर, जो विषम बाह्य दल है वो अग्र स्थिति में होगा। पिछली माइमोसोविडी में हमने बताया था कि ये मे बी एंटीरियर और पोस्टीरियर, अग्र और पश्च दोनों हो सकता है, डिपेंड करेगा जाति और वंशों के अनुसार, लेकिन सिजल पीनेसी में हम देख रहे हैं ओड सेपल्स एंटीरियर इन पोजिशन, विषम बाह्य दल अग्र स्थिति में होगा। ये भी इसका क्राइटेरिया हमने बात करी थी जब लेग्युमिनोसी को दो में विभक्त किया था। अब हम देखने जा रहे हैं दलपुंज अर्थात कोरोना, दलपुंज में दलों की संख्या 5, पोलीपेटलस है, पृथक दलीय है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आई है कि कैसा दल विन्यास है, इम्ब्रिकेट कोरचादी, और कैसा कोरचादी, एसेंडिंग इम्ब्रिकेट, एसेंडिंग इम्ब्रिकेट हम यहां पर कह रहे हैं अर्थात आरोही कोरचादी विन्यास पाई जाएगा। तो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट आएगा पेपिलियोनेसी के अंदर, मटर के कुल में जो आगे हम पढ़ेंगे बाद में, और इसमें होगा एसेंडिंग इम्ब्रिकेट अर्थात जो है आरोही कोरचादी। तो आरोही कोरचादी और अवरोही कोरचादी बहुत टेक्निकल वर्ड है, जब आप देखेंगे फ्लोरल डायग्राम तो आप इसमें स्पेशल रूप से देखना किस प्रकार से इम्ब्रिकेट में 5 जो दल विन्यास है किस तरह से विभक्त है। और सराका इंडिका और सीरेटोनिया इनमें दलपुंज अनुपस्थित होता है, कोरोना नहीं पाया जाता दोनों के अंदर, सराका इंडिका अर्थात अशोक शोक वृक्ष में और सीरेटोनिया में दलपुंज अनुपस्थित होता है। तो ये हमने बात करी इनके दलपुंज की और बाह्य दलपुंज। अब हम बात करने जा रहे हैं फ्लोरल करेक्टर्स में आगे रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स उमंग की और जाया की। पहले हम देखते हैं इसके उमंग को, इस फैमिली में आने वाले पुंकेसर उमंग को। तो पुमंग में जो है पुंकेसरों की संख्या है 10,
दस पुंकेश धर्म की संख्या, वो दस कैसी जमी होगी, इंटू इंटू उरस, दो चक्र में होंगी, पांच प्लस पांच के दो चक्र में व्यवस्थित रहते हैं पुंकेश। लेकिन जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है एशिया में, बोहोनिया में, टेमरिन दस में, उसको हम स्पेशल रूप से विशेष रूप से इंगित करके पढ़ रहे हैं। और ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उमंग में जो इनकी नंबरों में भिन्नता पाई जा रही है उसको हम यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं महत्वपूर्ण वंश केशिया। केशिया में पुंकेसरों की संख्या तो 10 है, लेकिन केशिया माइमोसोइडिस, केशिया फिस्टुला और केशिया एप्स में क्या हो रहा है, ये हम देखने यहाँ पर जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन केशिया स्टेमेंस आर रिड्यूस्ड इन वेरियस नंबर्स। 10 पुंकेसर होंगे लेकिन इनके अंदर पुंकेसर कुछ पुंकेसर बंदी हो जाते हैं, जिनको कहते हैं स्टेमिनोड, स्टेमिनोड अर्थात बंदी पुंकेसर। अब उनकी संख्या कितनी कितनी है वो सकती हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं केशिया माइमोसोइडिस के अंदर, केशिया माइमोसोइडिस के अंदर सभी 10 पुंकेसर फर्टाइल हैं, जनन समय अर्थात कोई बंदी पुंकेसर नहीं है, कोई रिड्यूस नहीं हुआ है। केशिया फिस्टुला वो सामान्य प्रजाति है, इनके अंदर भीतरी चक्कर का जो पश्च पुंकेसर है वो बंदी हो जाएंगे स्टेमिनोड, पोस्टीरियर स्टेमेंस आर स्टेमिनोड केशिया फिस्टुला के अंदर। और केशिया एप्सस, केशिया एप्सस में क्या होगा कि इसमें जो भीतरी चक्कर के पांचों पुंकेसर समानित होते हैं, फाइव स्टेमेंस ऑफ इनर बुरल्स आर रिड्यूस्ड। केशिया एप्सस में क्या होगा, फाइव स्टेमेंस ऑफ इनर बुरल्स आर रिड्यूस्ड, जो पुंकेसर हैं वो बंदी हो जाएंगे, भीतरी चक्कर के पांचों पुंकेसर समान। अब हम देखने जा रहे हैं बोहोनिया, बोहोनिया में क्या हो रहा है। इन बोहोनिया रिड्यूस्ड सीरीज ऑफ स्टेमेंस मे बी सीन, जो एक पूरी पूरी श्रृंखला हम देख रहे हैं पुंकेसरों की बंद हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, समानित श्रेणी में कैसे होते जा रहे हैं पुंकेसर की संख्या। और हम इसको समझेंगे बोहोनिया टोमेंटोसा, बोहोनिया परप्यूरिया, बोहोनिया वेहलाई आदि स्पीशीज के द्वारा। सबसे पहले हम देख रहे हैं बोहोनिया टोमेंटोसा, बोहोनिया की जो टोमेंटोसा प्रजाति है इसमें क्या हो रहा है, इसमें सभी 10 पुंकेसर कार्यशील है, क्रियाशील है, फंक्शनल है। बोहोनिया परप्यूरिया, इस परप्यूरिया में जो भीतरी दलाबुक एंटीपेटल्स 5 पुंकेसर है वो पूर्णतया समानित हो जाते हैं, इनर एंटीपेटल्स 5 स्टेमेंस आर रिड्यूस्ड। और जो बोहोनिया की वो प्रजाति जो कि वुडी क्लाइंबर्स है, काष्ठी आरोही, वेहलाई, बोहोनिया वेहलाई, इसमें क्या होगा 10 में से 3 पुंकेसर क्रियाशील होते हैं, कार्यशील होते हैं, ओनली 3 स्टेमेंस आर फंक्शनल एंड रिमेनिंग 7 स्टेमेंस रिड्यूस्ड एज स्टेमिनोड्स। और इसके अंदर जो 7 पुंकेसर हैं वो तंतु रूपी बंदी पुंकेसरों में समानित हो जाएंगे, 3 क्रियाशील हैं, कार्यशील हैं, और 7 जो पुंकेसर हैं वो तंतु रूप में बंदी पुंकेसरों में समानित हो जाएंगे। तो ये हमने देखा बोहोनिया की प्रजाति। अब देखने जा रहे हैं टेमरिंडस इंडिका अर्थात इमली में, इसमें जो 7 पुंकेसर है वो किस तरह से होंगे। इन टेमरिंडस इंडिका ओनली 3 स्टेमेंस आर परफेक्ट, केवल 3 जननक्षम पुंकेसर हैं, और जो 4 पुंकेसर हैं वाइल अदर 4 आर रिड्यूस्ड एंड बिकम मोनोएडल्फस, और जो 4 पुंकेसर हैं वो बंदी पुंकेसर जो 4 हैं वो संयुक्त होकर एक संघी हो जाएंगे। 3 पुंकेसर तो क्रियाशील हैं, फंक्शनल हैं, फर्टाइल हैं, और 4 पुंकेसर बंदी हो पुंकेसर बंदी पुंकेसर संयुक्त होकर एक संघी हो जाएंगे, मोनोएडल्फस हो जाएंगे। ये कंडीशन हम देखेंगे टेमरिंडस इंडिका में अर्थात इमली का। तो ये कंडीशन हमें देखा कि 10 पुंकेसर हैं जनरली 5 प्लस 5 के चक्र में हैं, ये भी सही है, लेकिन जो स्टेमिनोड बंदी पुंकेसर की संख्या वो कैसे समानित हुई है वो हमने देखा। किस तरह के भी हों पराकोष कैसा होगा, द्विकोष्ठी डाइथिकस होगा, अंतर्मुखी अर्थात इंट्रोस, और यूजली किस प्रकार ये होंगे डिक्रीजिंग लॉन्जिट्यूडनल अर्थात ये इसका जो स्फुटन होगा वो लंबवत रेखा चित्रों के द्वारा इनमें। तो ये हमने बात करी पुंकेसर। अब हम बात करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं डायनुशियम अर्थात जायांग। जायांग हमने शुरू में बात करी थी लेग्युमिनोसी के तीनों कुलों में एक समान है, वही हम यहां बात करने जा रहे हैं मोनोकार्पिलरी अर्थात एक अंडपी, यूनिलोकुलर एक कोष्ठी, और जब हमने पेरिगाइनस फ्लावर को लिखा यूजली तो ओवरी के सी सेमी इंफीरियर अर्थात अर्ध अधोवर्ती, और सीमांत बीजांड न्यास अर्थात मार्जिनल प्रेजेंटेशन होगा जो पूरी लेग्युमिनोसी कुल की विशेषता है, और जो वर्तिका है वो सरल होगी या फिर ये सीकेल शेप्ड अर्थात हंसिया की तरह मुड़ जाएगी, मुड़ी हुई हमको नजर आएगी इसकी वर्तिका। तो जो हम यहां देख रहे हैं वर्तिका या तो
सीधी है और या फिर मुड़ी हुई होगी सिकेल शब्द हस्या की तरह। और स्टिग्मा वर्तिका के साथ कैपिटेट अर्थात यह समुंडक होगा वर्तिका। तो ये हमने बात करी कि गायब शब्द। अब फल कैसा है, बीज कैसा है, परागण का प्रकार कैसा है, अब देखते हैं फल। फली के रूप में होगा यूजली पोर्ट, लेग्यूम प्रकार का फल होगा। बीज जो है भ्रूण पोषी या भ्रूण पोषी हो सकते हैं और एक बड़ा भ्रूण इनके अंदर पाया जाए। परागण किस प्रकार का होगा, पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट और बाय बर्ड्स, कीट द्वारा हो सकता है या पक्षी द्वारा हो सकता है, जिनको हम कहेंगे एंटोमोफिलस और ओर्निथोफिलस। इस प्रकार का इनमें परागण। तो आज जो हमने बात करी है रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स फैमिली सीजनोबिनोडी की और रेंज ऑफ फ्लोरल का, अगले चैप्टर में हम बात करेंगे इसके फ्लोरल फार्मूला फ्लोरल डायग्राम की, इसके विभेदक लक्षणों की और इस फैमिली के आर्थिक महत्व की, जो बहुत बड़ा आर्थिक महत्व इसका होगा उसकी हम अगले चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।